ओके दोस्तों, सो आफ्टर रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू आवर फिक्स्ड एक्सिस वी मूव ऑन टू द रोटेशन अबाउट अ मूविंग एक्सिस। इसमें दो पार्ट होंगे, एक होंगे रोलिंग विद स्लिपिंग और दूसरा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाले चीज को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस को पहले हम समझते हैं, ध्यान दो। देखो अभी तक हमारे पास कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा था, बॉडी का केवल और केवल रोटेशनल मोशन हो रहा था। तो मान लो मेरे पास एक स्फीयर है और मेरे पास ग्राउंड है ऐसा, ठीक है। नाउ ये वाला जो है सेंटर जो है इसका, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ओमेगा से रोटेट कर ही रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास जो है वो खुद भी हमारा V से इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ये जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू आर, ये जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। ओके, सो अब सवाल ये है, जो अगर ये प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट कर रहा है यानी स्लिपिंग अगर नहीं हो रही है, तो इन दैट केस V और ओमेगा में क्या रिलेशन होना जरूरी है। ओके, हम लोग अगर मान लो कोई भी एक जनरल पॉइंट P लेते हैं, तो ये P पॉइंट का हमारा नेट वेलोसिटी कितनी होगी। ध्यान दो, ये जो बॉडी है ये हमारा ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा है, तो केवल और केवल ट्रांसलेशन के चलते बॉडी के इस पॉइंट पर एक लीनियर स्पीड v तो आएगा ही आएगा, ठीक है। रोटेशन को भूल जाओ, अगर मान लो पूरा बॉडी ट्रांसलेट करता तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट पे डेफिनेटली उसका वेलोसिटी जो होता वो v तो हमारा आता ही आता। और एक बार के लिए अब ये ट्रांसलेशन को भूल जाओ, बॉडी अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता प्योरली, तो उस कारण पे ड्यू टू ओमेगा एक ओमेगा आर जितना वेलोसिटी हमें टेंजेंशियल मिलेगा ही मिलेगा, यानी ये वाला जो होगा ये हमारा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, राइट। द नेट वेलोसिटी, जो हमारा नेट वेलोसिटी होगी विल बी वेक्टर सम ऑफ वी एंड ओमेगा आर। नाउ अब मैं लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर आता हूं, तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो ये वाला पॉइंट का इसका सेंटर ऑफ मास वी से मूव कर रहा है, तो उसके कारण हमारे पास वी होगा यहां पर, और रोटेशन के इफेक्ट के कारण इसके पास हमारा ओमेगा आर होगा। तो नेट वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू वी माइनस ओमेगा आर। ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये वाला पॉइंट किस पॉइंट के कॉन्टैक्ट में है, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, और ग्राउंड के अगर कॉन्टैक्ट में है तो इसका वेलोसिटी डेफिनेटली कितना है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देखो प्योर रोलिंग का मेन फंडा एक ही है, प्योर रोलिंग का मतलब यह है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देयर कैन नॉट बी
देयर कैन नॉट बी एनी रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोई भी हमारा रिलेटिव वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग। ओके, सो ये वाला पॉइंट पे नेट वेलोसिटी वी माइनस ओमेगा आर आया था, बट ग्राउंड का पॉइंट जो है उसका है हमारा जीरो। तो ये वाले केस पे हम लिख सकते हैं v माइनस ओमेगा आर इक्वल्स टू जीरो, यानी v इक्वल्स टू ओमेगा आर, राइट? समझ में आया? तो मैं अगर यहां पर कोई भी एक इन जनरल पॉइंट लेता हूं p, ठीक है, ये हमारा वो स्फीयर है, यहां पर मान लो हमारा एंगल जो बनता है, हमारा एंगल जो बनता है दैट एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो ये वाले पॉइंट का नेट स्पीड कितनी होने वाली है अगर ये कोई पूछेगा? ध्यान दो, ये है हमारा v और यहां पर है मेरा ओमेगा आर, जिसका भी वैल्यू जो है वो हमारा v है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों? ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा, तो ये एंगल जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट विल बी डेफिनेटली 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। सो नेट स्पीड जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू वी स्क्वायर कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट? सो मेरे पास कितना आ जाएगा नेट स्पीड इसका? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज नथिंग बट साइन थीटा। सो मेरे पास आ जाएगा ये 2 वी स्क्वायर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दैट विल बी द नेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके ओके दोस्तों, तो नेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है वो मेरे पास यहां पर आ चुका है। अच्छा, थीटा मेरा जो मेजर्ड है वो किस डायरेक्शन पर है? मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, तो स्पेशल केसेस देख लो। अगर मेरा थीटा 90 है, अगर मेरा थीटा 90 है तो इन दैट केस साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, दिस विल बी 2, सो रूट 4 इज इक्वल टू 2, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट का जो हमारा स्पीड आएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड आएगा मेरे पास 2v। अच्छा, थीटा अगर मेरे पास 0 डिग्री है तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, ये साइन 0 बन जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? रूट टू वी, जो कि आना भी चाहिए, वी और वी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट का तो 0 है, थीटा अगर मेरा 180 हो तो इन दैट केस क्या होगा? थीटा अगर मेरे पास 180 हो, वापस हमारे पास साइन 0 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट कभी वापस होगा रूट टू वी, जो कि होना चाहिए एक ऐसा वी और एक ऐसा वी, तो यहां पर जो है वो हो जाएगा मेरा रूट टू वी। तो इन जनरल कोई भी जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का स्पीड हमने एंगल के रेस्पेक्ट में लिख दिया है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं जो फाइंड the particles, find the particles whose speed is greater than or equals to
√3v/2। वो सारे पार्टिकल्स ढूंढो जिनका स्पीड जो है वो √3v/2 से हमारा ज्यादा है। तो कैसे करेंगे, v इंटू रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √3v/2। सो v यहां पर हम कैंसिल कर देते हैं, तो अगर मैं स्क्वायरिंग मारता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4। 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, सो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/8। तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, साइन थीटा का क्या वैल्यू आएगा, साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5/8। ठीक है, नाउ व्हाट इज मीन बाय -5/8, इसका इंटरप्रिटेशन क्या लूंगा। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, एक बात ध्यान दो, जो थीटा अगर मेरा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ये तो हमारा वैकसली ट्रू होगा, ये वाला कंडीशन जो होगा वो हमारा वैकसली ट्रू होगा। मतलब ध्यान दो, ये जो टॉप हाफ ऑफ द स्फीयर है इसके अंदर तो हर कोई पॉइंट का जो हमारा स्पीड होगा वो √3v/2 से तो डेफिनेटली ज्यादा ही होने वाला है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली सबका नहीं होगा, बॉटम में कुछ पॉइंट्स जो है उनका हमारा नहीं होने वाला है। यानी अगर मैं ध्यान दूं, साइन थीटा इक्वल्स टू -5/8, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें टॉप में तो सारे पॉइंट्स जो है उनका तो स्पीड इससे ज्यादा होने वाला ही है, क्योंकि वहां पे तो थीटा जो है वो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, साइन थीटा जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। बट यहां पर एक ऐसा जोन रहेगा, यहां पर एक ऐसा जोन रहेगा, ये वाला एंगल को फाई बोल दो, ये वाला एंगल को भी फाई बोल दो, जिस रीजन में हर पार्टिकल का स्पीड इससे हमारा कम होने वाला है। और ये फाई हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने 180 डिग्री तो ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका हूं, हम एक चीज जानते हैं जो साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू -sin θ। तो ये जो हमारा दोनों वैल्यूज होंगे उसके लिए मैं लिख सकता हूं साइन फाइ इज इक्वल्स टू 5/8, यानी फाइ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/8। सो यहां से फाइ से चालू करते हुए ऑब्वियसली साइन ऑफ -5 भी साइन फाइ, साइन ऑफ -θ भी -sin θ होता है। तो ये जो जोन है इस जोन में हर पार्टिकल का जो भी स्पीड है वो मेरा √3v/2 से कम होने वाली है, बाकी हर पार्टिकल जो है उसका स्पीड हमारा ज्यादा होने वाली है √3v/2 से। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। मान लो कोई एक बॉडी, हमारे पास कोई एक बॉडी है जो हमारा प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, वो एक बॉडी है जो हमारा प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट कर रहा है। नाउ यहां पर हमें ये प्रूफ करना है, जो ये वाले बॉडी पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से। मान लो मैंने यहां पर लिया,
उस बॉडी का जो नेट वेलोसिटी है वो उस इंस्टेंट पे जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है उस ए को हमेशा एम करता है. वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस विल एम टूवर्ड्स ए. ओके, हाउ टू डू इट. चलो कोई भी हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं और उसके लिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं उस तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो मान लो हमारे पास ये एक रिंग है लाइक दिस, ठीक है. यहां पर थीटा एंगल पर कोई भी एक पॉइंट है पी. हमारे यहां पे थीटा एंगल पर कोई भी एक पॉइंट है पी. नाउ ये वाले पॉइंट के पास दो स्पीड है, एक तो हमारा इस डायरेक्शन में वी है और दूसरा हमारा टेंजेंशियल है ओमेगा आर. और ओमेगा आर का भी जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू वी. तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों हमारा इक्वल वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डेफिनेटली हमारा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा. और मुझे ये प्रूफ करना है ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को जोड़ता हुआ जो हमारा लाइन होगा दैट इज माय एंगल बाइसेक्टर. दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू प्रूफ, ठीक है. नाउ लेट्स सी. ओके, कैसे करेंगे ये, हम कैसे प्रूफ करेंगे ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है. ओके लेट्स सी, ये वाला एंगल को हम फाई मान लेते हैं. ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज इक्वल्स टू फाई, ठीक है. अच्छा नाउ यहां पर ये वाला एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास, ये वाला एंगल जो आ जाएगा दैट विल बी 90 डिग्री माइनस फाई, ठीक है. ओके नाउ मतलब ध्यान देना ये वाला एंगल जो है वो एंगल हमारा थीटा होगा, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमारा पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमारा पैरेलल है. और ये वाला एंगल जो है हमारा कितना है, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा. ये वाला लाइन जो होगा दिस विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा. अब ऑब्वियस बात है, ध्यान देना ये हमारा एक रेडियस है और ये भी हमारा एक रेडियस है, ठीक है. ये दोनों हमारा रेडियस है, तो इसके ऑपोजिट का जो भी एंगल होगा और इसके ऑपोजिट पे जो भी एंगल होगा वो दोनों डेफिनेटली हमारा इक्वल होगा, राइट. सो फाई प्लस थीटा That must be equals to, यहां पर अगर मैं देखूं that will be equals to 90 degree minus phi. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 phi is equals to 90 degree minus theta. तो phi जो आ जाएगा that will be equals to 45 degree minus theta by 2. जो हमारा फाई आएगा वो आएगा मेरे पास 45 डिग्री माइनस थीटा बाय 2. बट ध्यान देना ये एंगल अगर थीटा है ये तो हमारा टेंजेंशियल है, ये पूरा एंगल जो है ये पूरा एंगल जो आएगा वो तो डेफिनेटली मेरे पास कितना आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा. यानी ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया वो मेरा एंगल बाइसेक्टर है. और क्योंकि दोनों हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है तो उनका जो हमारा रिजल्टेंट होगा
वो भी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही होने वाला है. सो इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ये जो वेलोसिटी है वो डेफिनेटली एम करेगा टुवर्ड्स द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड दैट इज इक्वल्स टू ए. ओके, नाउ मूविंग ऑन. तो ऐसा क्वेश्चन में मान लो ऐसा है जो हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग के ऊपर दो प्लैंक ऐसे रखा हुआ है. ये वाला जो रिंग है इसका रेडियस है r, ये वाला जो रिंग है इसका रेडियस है r. जो मेरा ऊपर वाला प्लैंक है उसको मैं मूव कराता हूं इस तरफ विद द स्पीड ऑफ v1, और जो नीचे वाला प्लैंक है उसको मैं मूव कराता हूं विद द स्पीड ऑफ v2. अच्छा, देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग. ओके, तो फाइंड VCM and omega of the ring. Find VCM and omega of the ring. ठीक है, सो मान लेता हूं इन जनरल, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है VCM लाइक दिस, और इसके सेंटर ऑफ मास के ये है मान लो ओमेगा. ठीक है, ओके, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी क्या आएगा, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी क्या आएगा. तो रिंग का ट्रांसलेशनल मोशन के चलते इस डायरेक्शन में आएगा VCM, और रोटेशनल मोशन के चलते इस डायरेक्शन में आएगा ओमेगा आर. और अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, इस डायरेक्शन में होगा VCM और इस डायरेक्शन में होगा ओमेगा आर. ठीक है, सो ये वाले पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी है VCM प्लस ओमेगा आर, दैट इज इक्वल्स टू वी वन. VCM प्लस ओमेगा आर, दैट इज इक्वल्स टू वी वन. और ये वाले पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट का नेट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा आर माइनस VCM. बट नीचे वाला प्लैंक लेफ्ट की तरफ V2 से मूव कर रहा है, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V2. तो ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है उस पर कोई भी प्रकार का स्लिपिंग जो है वो हमारा नहीं होना चाहिए. तो VCM प्लस ओमेगा आर जो है वो हमारा V1 होना चाहिए, और ओमेगा आर माइनस VCM V2 आना चाहिए. Therefore, 2 times omega r V1 plus V2. तो omega जो है वो है V1 plus V2 by 2r. Omega जो होगा that will be V1 plus V2 by 2r. ठीक है. And similarly, अगर मैं दूसरा कर लूं, subtract कर दो इन दोनों को, 2 VCM मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 VCM विल बी नथिंग बट V1 माइनस V2. तो VCM जो होगा दैट विल बी V1 माइनस V2 बाई 2. ये हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा. अच्छा, VCM जो है वो मुझसे गलत भी हो सकता है, यानी अगर मेरा V2 V1 से बड़ा है तो इन दैट केस सेंटर ऑफ मास राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ ट्रांसलेशनल मोशन करेगा. एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वी वन एंड वी टू. इन केस बोथ आर इक्वल, इट विल ओनली एग्जीक्यूट प्योर रोटेशन, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसलेशन नहीं होने वाला है.
ठीक है। अच्छा, जो काम मैंने वेलोसिटी के लिए करवाया हूं, एग्जैक्ट सिमिलर एनालिसिस, एग्जैक्ट सिमिलर एनालिसिस कैन बी डन फॉर द एक्सीलरेशन ए एंड अल्फा ऑल्सो। यहां पर बस वी के जगह पर ए लिख दो, ओमेगा के जगह पर अल्फा लिख दो, तो जो एनालिसिस में वेलोसिटी और ओमेगा के लिए किया हूं वो सिमिलर एनालिसिस हम लोग ए और अल्फा के लिए भी कर सकते हैं। यानी दैट इंप्लाइज इफ प्योर रोलिंग इज ऑकरिंग ऑन द ग्राउंड, प्योर रोलिंग जो है वो अगर मेरा ग्राउंड में हो रहा है, देन ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर। ठीक है, ए एसेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, अल्फा उसका रोटेशनल एक्सेलरेशन है, ए इक्वल्स टू अल्फा आर होगा अगर वो हमारा ग्राउंड के अबाउट, ग्राउंड के ऊपर प्योर रोलिंग करता है। तो प्योर रोलिंग के रिगार्डिंग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने यहां पर देखे हैं, आगे भी और देखने वाले हैं, लेट्स सी।